अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैरी कंट्रोल के एक नए लेक्चर के साथ। आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक होगा वो है डीएससीपी सर्वर के हवाले से, मींस के हम अपने कैरी कंट्रोल फायरवॉल के अंदर डीएससीपी को किस तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि डीएससीपी होता क्या है। डीएससीपी होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, मींस के हम अपने नेटवर्क के अंदर एक ऐसा प्रोटोकॉल बना देते हैं, सर्वर बना देते हैं डीएससीपी जिसे हम कहते हैं, वो हमें आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली क्लाइंट साइड पे देता है। मीन्स के हमें नेटवर्क के अंदर हर कंप्यूटर पे जाके मैनुअली आईपी हमें साइन करने की ज़रूरत नहीं है, ना आईपी एड्रेस देंगे, ना गेटवे देंगे, ना डीएनएस देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारा काम कोई ऑटोमेटिकली हो जाए तो उसके लिए हमें अपने डीएससीपी सर्वर को लॉन्च करना पड़ता है अपने नेटवर्क के अंदर। तो कैरी कंट्रोल फायरवॉल हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम इस फायरवॉल के अंदर ही रहते हुए डीएससीपी को कॉन्फ़िगर कर सकें। तो इस कॉन्फ़िगर करने के बाद हमारे नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर होंगे उन सबको हम ऑटोमेटिकली आईपी प्रोवाइड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर पे एक स्पेसिफिक आईपी ही मिले तो हम वो भी उसको रिजर्व करवा सकते हैं। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन होती हैं कि जब कोई आईपी किसी क्लाइंट को मिले तो वो कितनी देर बाद उसमें आईपी चेंज हो जाए, यानी कि रिलीज़ हो जाए। तो वो सारा कुछ हम देखते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं और उसमें फायरवॉल को असेस कर लेते हैं। फायरवॉल असेस करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आ रही है, देखें यहाँ पे साइड पे डीएससीपी सर्वर के बाद, इस पे ऊपर टिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस हमारे पास सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने इसको इनेबल करना है। इनेबल करेंगे तो हमारा डीएससीपी सर्वर एक्टिव हो जाएगा। उसके लिए उससे पहले हमें डीएससीपी स्कोप जनरेट करना पड़ेगा। तो देखें बाय डिफ़ॉल्ट एक डीएससीपी स्कोप जनरेट हुआ है। तो अगर हम इसको कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, इसको कॉन्फ़िगर करेंगे और नया स्कोप ऐड करना चाहते हैं, जो कोई भी चेंजिंग करेंगे, तो हमारे पास अभी कोई भी ऑप्शन नहीं आ रही ऐड एडिट की। तो उसके लिए आपने यहाँ पर देखे नीचे ऑप्शन आ रही है क्लिक टू कॉन्फ़िगर स्कोप मैनुअली, इस पर आपने टिक करना है। तो यहाँ पे इसको आपने यस कर देना है, यस हम मैनुअली इस पर कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं। तो जैसे ही हमने इसको किया तो देखें हमारे पास ये नीचे ऑप्शंस आ गई हैं। ये देखें हम यहाँ से ऐड वगैरह भी कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास स्कोप मिला हुआ है इसको हम डबल क्लिक करके देखते हैं तो ये किस तरह हमारे पास आ रहा है। नेम लैन है, फर्स्ट आईपी ये है, सारा कुछ आ रहा है, ठीक है। हम इसके अंदर हम नया स्कोप ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम करेंगे यूज़ इंटरफेस टेम्पलेट लैन, यानी कि आपने किस इंटरफेस पर आपने कन्फिगर करना है। हमने लैन इंटरफेस पर कन्फिगर करना है, क्लियर है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे फायरवॉल के अंदर दो इंटरफेस है, एक है वैन और एक है लैन। वैन से हमारे पास इंटरनेट की एक्सेस आ रही है और लैन हमारा लोकल नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। तो हम लोकल नेटवर्क में जितने कंप्यूटर है उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने लैन इंटरफेस के अंदर ही डीएससीपी को कन्फिगर करना पड़ेगा और जो स्कोप हम जनरेट करेंगे वो भी लैन इंटरफेस के अंदर ही। तो देखें हम यूज़ इंटरफेस टेम्पलेट और आगे लैन हम करेंगे। तो जैसे ही हमने लैन किया तो देखें हमारे पास ऑप्शन सारी खुल के आ गई हैं। तो हम इसका नाम रख देते हैं, हम कहते हैं डीएससीपी लैन, ठीक है। और आप फर्स्ट आईपी एड्रेस कौन सा होना चाहिए, यानी कि किस रेंज से आईपी एड्रेस आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, यानी फर्स्ट आईपी से लेके लास्ट आईपी तक। हम कहते हैं जो स्टार्ट आईपी हो वो 70.101, ठीक है, 10.0.70.101, क्लियर है। क्योंकि मैं जैसे ही हम आईपी एड्रेस मिलेगा तो हमें पता चलेगा कि इस रेंज से जो आईपी एड्रेस मिल रहे हैं वो हमें फायरवॉल के डीएससीपी के थ्रू मिल रहे हैं। और लास्ट आईपी एड्रेस क्या होना चाहिए तो वो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, यानी कि इस आईपी एड्रेस से लेके कितने आईपी एड्रेस आपने डीएससीपी को एलोकेट करने हैं, कितने कंप्यूटर हैं, जितनी आपकी रिक्वायर्ड होगी आपने जस्ट उतने ही अलो करवाने हैं। मैं कहता हूँ 150, क्लियर है, यानी कि 50 आईपी मैं अलो करवा रहा हूँ। तो सबनेट मार्क्स क्या मिलेगा उसको हम कहते हैं ये मिलेगा। और आप उसको गेटवे क्या देना चाहते हैं हम इसको एडिट कर सकते हैं। हम कहते हैं 10.0.50.220, यानी कि जो हमारे फायरवॉल का आईपी एड्रेस होगा वो हम देंगे। डीएनएस सर्वर भी हमारा यही होगा। रीज टाइम ये सबसे ज़रूरी है, रीज टाइम आप क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं, मीन्स के रीज टाइम इस पर देखें 4 डेज आ रहे हैं तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। मीन्स के 4 डेज तक इस जो भी आईपी एड्रेस जिस क्लाइंट को मिलेगा उसको 4 डेज तक वही आईपी एड्रेस ही मिलता जाएगा, यानी कि वो आईपी एड्रेस अगर किसी को मिला 10.0.70.110 वो 4 दिन तक उसी आईपी कंप्यूटर को आईपी एड्रेस मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा, 4 दिन के बाद किसी और को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये कम हो जाए, यानी कि 10 मिनट बाद चेंज हो जाए, 1 दिन बाद चेंज हो जाए, तो वो भी कर सकते हैं। हम कहते हैं 1 डे, यानी कि 1 दिन बाद जो है नेक्स्ट डे जब भी आए तो आईपी एड्रेस दोबारा से नए एलोकेट होने चाहिए,
हम ओके कर देते हैं। अगर इसके अलावा आप कोई नई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो हम इस पर ऐड करेंगे, ऑप्शन पे जाके यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी चीज़ आप इसके अंदर ऐड करवाना चाहते हैं, डोमेन नेम है, होस्ट नेम है, ठीक है, कुछ भी आप ऐड करवाना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से ऐड करवा सकते हैं, और नीचे उसका आईपी एड्रेस जो भी प्रोवाइड करना है वो कर सकते हैं। ओके, हमारे पास ये आईपी जो स्कोप है डीएचसीपी का वो कॉन्फ़िगर हो चुका है, और अब हम चाहते हैं कि हमारा डीएचसीपी एक्टिव हो जाए, यानी कि इनेबल हो जाए, तो उसके लिए हम करेंगे इनेबल। इनेबल करेंगे तो हम इसको यहाँ से अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हमारा फाइबर के अंदर डीएचसीपी को हमने प्रॉपर इनेबल कर दिया, कॉन्फ़िगर हो चुका है और स्कोप भी जनरेट हो चुका है। अब देखें हमारे पास जो एलोकेट है वो 50 आईपी हमने एलोकेट करना है, अभी तक कोई आईपी एलोकेट नहीं हुआ, और जो भी एलोकेट होंगे वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अब हम आते हैं अपने नेटवर्क के अंदर इंटरफेस पे, और यहाँ से हम आके अपने नेटवर्क कार्ड के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं, और IPv4 पे जाके हमने देखें अभी मैनुअल आईपी असाइन किया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऑब्टेन कर देंगे और DNS को भी ऑब्टेन करेंगे। तो ये देखते हैं अब ये आईपी एड्रेस हमारा कहाँ से ऐड करता है। तो ये देखें हमारे पास, हम इस पे आते हैं डिटेल पे, तो हमें जो आईपी एड्रेस मिला है, देखें DHCP इनेबल है, और आईपी एड्रेस जो हमें मिला है 10.0.70.102, ठीक है, यही रेंज से हमने आईपी एड्रेस वहाँ पे कॉन्फ़िगर करवाए थे। और डिफ़ॉल्ट गेटवे जो हमने प्रोवाइड किया था, DHCP सर्वर जो जिस जहाँ से हमें ये DHCP सर्वर प्रोवाइड कर रहा है उसका एड्रेस आ रहा है, और DNS जो हमने वहाँ पे दिया था। तो ये देखें सारी चीज़ें हमें ऑटोमेटिकली मिल रही हैं, और अब हम आते हैं दोबारा यहाँ पे और इसको यहाँ से हम रिफ्रेश करते हैं। तो देखें हमारे पास एलोकेट हो गए हैं, यानी कि 2 आईपी एड्रेस एलोकेट हो चुके हैं, और जिसमें से 50 में से 2 एलोकेट हो चुके हैं, ठीक है, यानी कि नेटवर्क में एक और आईपी कंप्यूटर भी है जिसको आईपी एड्रेस मिल चुका है, एक तो मेरे लैपटॉप में मिला, एक दूसरे कंप्यूटर पे। अब ये देखें हम अपने स्कोप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये आईपी एड्रेस आ रहे हैं, मीन्स के देखें एक को आईपी मिला है 70.101, उसका यानी कि होस्ट नेम ये आ रहा है, और दूसरे का क्या आ रहा है 70.102, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास सारी के सारे जितने आईपी एड्रेस मिलेंगे वो यहाँ पे लिस्ट शो होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई स्पेसिफिक कंप्यूटर के अंदर आईपी एड्रेस को रिजर्व करवा दें, मीन्स कि ये लैपटॉप है, ये मेरा कंप्यूटर है जिस पे आईपी एड्रेस मिला है 70.102, आप चाहते हैं कि जो मेरे लैपटॉप पे जब भी आईपी एड्रेस मिले तो उसकी रेंज डिफरेंट हो, तो उसके लिए आपने करना क्या है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, हम कहते हैं नेम आपको आइडेंटिफाई के लिए हम कहते हैं ये लैपटॉप है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस आप क्या चाहते हैं उसको क्या मिले, मैं कहता हूँ 125, क्लियर, 70.125, और नीचे DNS गेटवे और रिलीज टाइम ये सारी चीज़ें उसी तरह आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। हम इसको ओके करेंगे और यस रिजर्व, यस क्लियर, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास ये आ गया 70.125, ऊपर वाले जो है हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, वो हम इस अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद दोबारा हम अपने नेटवर्क पे आते हैं और अपने जो नेटवर्क कार्ड है इसको डिसेबल करते हैं और दोबारा इसको इनेबल करते हैं। तो देखिएगा हमारे पास अब जो आईपी एड्रेस मिलेगा वो जो हमने दोबारा रिजर्व करवाया था वो आईपी एड्रेस हमें मिलेगा। इस पर डब्ल्यू करते हैं, डिटेल पे जाएंगे तो ये देखें IPv4 एड्रेस क्या आ रहा है 70.125, ठीक, क्लियर हो गया। इस तरीके से आप अपने क्लाइंट कंप्यूटर को आईपी रिजर्व भी करवा सकते हैं, और जितने भी आईपी अलॉट होंगे नेटवर्क के अंदर उन सब की डिटेल यहाँ पे आ रही होगी। तो आज मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया कि आप किस तरह DHCP सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसमें रीच टाइम किस तरह सेट कर सकते हैं, किसी भी आईपी को रिजर्व करवाना है तो वो आप यहाँ से रिजर्व करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज मैंने आपको इस वीडियो में सिखा दी हैं, और उम्मीद है आपने ये सारा कुछ समझ लिया होगा। अगर तो कोई भी टॉपिक या कोई भी जगह पर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।